हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे सेवन स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 6 इंडाइसेस का प्रैक्टिस सेट 28। प्रैक्टिस सेट 26 एंड 27 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और इसके पहले के 5 चैप्टर भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन 5 चैप्टर के वीडियोज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सेवन स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो या न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, प्रैक्टिस सेट 27 में मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा मिडल में तो हम प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे, जो भी आपके पावर दिए गए हैं यानी जो इंडेक्स आपको दिए गए हैं उनको हम प्लस करेंगे जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। जब डिवीजन का साइन होगा तो हम इनको माइनस करेंगे। कंडीशन क्या है, दोनों जो भी आपको दिया गया है बेस वो सेम होना चाहिए। अगर मिडल में डिवीजन का साइन आता है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या रहेगा 6 - 4 2 आ जाएगा और जो बेस है आपका वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जस्ट साइन का डिफरेंस है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो प्लस करेंगे, डिवीजन रहेगा तो माइनस करेंगे, यहाँ पर डिवीजन है इसीलिए माइनस किया। पूरा सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, देखो जो भी आपको बेस दिया गया है उसको वन टाइम लिखेंगे, इंडेक्स को माइनस करेंगे 6 - 4 = 2, तो a^2 रहेगा आपका फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है m, दोनों जगह m है तो वन टाइम m लिखेंगे, इंडेक्स क्या दिया गया है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, मिडल में आ जाएगा माइनस का साइन, 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर -3 पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 बिगर नंबर है और उसके साथ में माइनस का साइन है, तो आपको आंसर मिलेगा m^-3, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन सेकेंड वाले का। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है p, पावर क्या दिया गया है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 13, मिडल में रहेगा माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पर है डिवीजन। अब 3 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन -10 पुट करेंगे क्योंकि 13 इज़ अ बिगर नंबर और p जैसा है वैसे ही रहेगा, तो p^-10 आंसर रहेगा, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको दिया है x, अपसाइड में है 10 और यहाँ पर भी है 10, तो 10 - 10 क्या होगा 0 हो जाएगा, लेकिन x^0 हम नहीं लिख सकते। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, डिवीजन का मतलब ऐसे ही होता है बराबर, जब हम इसको कट करेंगे 10 - 10 - 10 तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, इसको भी अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो फोर्थ वाले का सोल्यूशन पूरा ऐसे आ जाएगा। मेन क्वेश्चन 1 में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों हमने सॉल्व कर लिए, चारों के सोल्यूशन अच्छे से देख लो। अब मेन क्वेश्चन 2 जो आपको दिया गया है उसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखो बीच में डिवीजन का साइन है तो हम क्या करेंगे -7, इसको एक टाइम ही लिखेंगे, अपसाइड में आपको दिया है 12 और यहाँ पर भी है 12, तो दोनों को माइनस करने पर आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने इसको डिटेल से समझा कि जब हम इसको कट करते हैं 12 - 12 - 12, इसको भी जब आप कट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो आंसर इसका 1 रहेगा, ठीक है। जब सेम इंडेक्स दोनों जगह मिल जाए, बेस भी सेम हो, तो आपका आंसर रहेगा 1, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। अब आइए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, 7 वन टाइम लिखेंगे, अपसाइड में 5 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, दोनों को माइनस करो, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो 7^2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू। तो अब ये जो 7^2 है इसको मैं 2 टाइम ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ये देखो 2 है ना, इसीलिए हमने 7 को 2 टाइम लिखा, तो 7 का कितना होता है 49, ये रहेगा आपका आंसर, आया समझ में। तो यहाँ पर हम ये वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि वैल्यू फाइंड करो, तो आंसर आपका रहेगा 49, देख लो सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन में दिया है, मिडल में है डिवीजन का साइन, फ्रैक्शन देखो 4/5 दोनों जगह सेम दिया गया है और अपसाइड में यानी जो आपको इंडेक्स दिया है 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4/5, यहाँ पर 1 मिल रहा है ना, तो ये 1 को अगर हम ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं और अगर नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है ना, देखो दोनों जगह बेस आपको क्या दिया है 4 दिया है, पावर 7 है, यहाँ पर 5 है, 7 - 5 कितना होता है 2 होता है, तो अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, है ना, यहाँ पर 2 दिया है इसीलिए 2 टाइम किया, 4 4 सा कितना होगा 16,
पूरा सोल्यूशन अच्छे से ऐसे आ जाएगा। तो हो गया यहाँ पर आपका ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 28 भी कंप्लीट होता है। बहुत इजी है, आपको जस्ट यहाँ पर मिडल में जो साइन दी गई है, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, डिवीजन है तो माइनस। आया समझ में? तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। ऐसे इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।